वेलकम गाइस, माय नेम इज असजद एंड थैंक्स फॉर 200 सब्सक्राइबर। ये वीडियो 200 सब्सक्राइबर की खुशी में बन रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक चैलेंज किया जाए 30 डेज 30 शॉट का। अपने चैनल पर अब रोज़ाना एक शॉट आते रहेगा, तो अपना फुली सपोर्ट दिखाओ और जल्दी से 500 सब्सक्राइबर भी करा दो। और मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे कि तुम माइनक्राफ्ट में कौन सा टेक्चर पैक यूज़ करते हो, वीडियो एडिट कैसे करते हो, थंबनेल कैसे बनाते हो। तो फिर मैंने सोचा कि इस पर ही वीडियो बनाते हैं, और अपने 200 सब्सक्राइबर हो गए थे तो इसकी स्पेशल वीडियो भी यही होने वाली है। तो माइनक्राफ्ट के टेक्चर पैक की लिंक मैं डिस्कॉर्ड पर डालूँ, और डिस्कॉर्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो तुम वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। मैं शॉर्ट कैसे बनाता हूँ, अपने चैनल पर जितने भी शॉट है वो सब वर्क करते हैं। कोई भी शॉट डालने के पहले मैं उनको अपनी वर्ल्ड में चेक करता हूँ कि वो काम करते हैं या नहीं। अपने सभी शॉट 100% काम करते। हाँ, अगर वर्जन बदल गया तो फिर मैं उस बात की गारंटी नहीं ले सकता। वीडियोस भी मैं ऐसे ही बनाता हूँ, और मैं रिकॉर्डिंग के लिए स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप यूज़ करता हूँ, तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और भाई, वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम मुझे इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि पूछो मत, क्योंकि पीछे इतना नॉइज़ होता है तो वीडियो अच्छी नहीं बन पाती है। इसलिए मैं रात में सबके सोने के बाद उठकर वीडियो बनाता हूँ। तुम तक अच्छी अच्छी वीडियो पहुँचाने के लिए तुम्हारा भाई कुछ भी कर सकता है, तो तुम्हारा भी काम बनता है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं देख रहा हूँ कि अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर दो। अब बारी आती है एडिटिंग की, तो मैं एडिटिंग इन शॉर्ट ऐप से करता हूँ, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सबसे पहले मैं वीडियो की कलर ग्रेडिंग करता हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ से साइज सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो में जितने भी फालतू पार्ट होते मैं उन सबको कट कर देता हूँ। वो हो जाने के बाद मैं वीडियो में टेक्स्ट ऐड करता हूँ, जैसे इंट्रो पे हो गया या फिर बीच में कहीं पर भी। वो हो जाने के बाद मुझे जहाँ पर मीम्स लगाने होते हैं वहाँ पर मीम्स लगाता हूँ, और सबसे लास्ट में मैं की फ्रेमिंग करता हूँ, और उसके बाद म्यूज़िक लगा के मैं सेव कर देता हूँ। और मैं म्यूज़िक NCS की यूज़ करता हूँ, उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब बारी आती है थंबनेल की, तो माइनक्राफ्ट का थंबनेल बनाने के लिए मैं अपने कैरेक्टर की मॉडलिंग करता हूँ, तो वो करने के लिए मैं प्रिज्मा 3D ऐप का यूज़ करता हूँ। उसकी एक रिग होती है, तो वो मैंने डिस्कॉर्ड पर डाला हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड करके ऐप यूज़ कर सकते हो। ये रिग लगाने के बाद तुम अपने कैरेक्टर को कोई भी पोजिशन दे सकते हो, कैसा भी एनिमेशन दे सकते हो। फिर वहाँ से रेंडर करके गैलरी में स्क्रीन शॉट लेता हूँ, फिर उसको कटआउट करके बैकग्राउंड पे लगाता हूँ। बैकग्राउंड भी तुमको डिस्कॉर्ड पर मिल जाएंगे। तो देखा तुम्हारे लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तो अपना सपोर्ट दिखाते रहो। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक कंप्लीट हो गए तो मैं माइनक्राफ्ट की सेटिंग और कंट्रोल्स पर भी वीडियो बनाकर डालूँगा, PvP कंट्रोल्स भी बताऊँगा, और तुमको माइनक्राफ्ट PE का PvP गॉड बना दूँगा। बैकग्राउंड म्यूज़िक, टेक्चर पैक, थंबनेल, ये सब मैं डिस्कॉर्ड पर डाल दिया हूँ, तो वहाँ पर जाकर चेक कर लो। तो चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से थैंक यू 200 सब्सक्राइबर कराने पर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।